पुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। जय श्री कृष्णा। ज्योतिष संबंधी जानकारी के लिए यूट्यूब में ज्योतिष एकाग्र चैनल के नाम से ओम प्रकाश शर्मा, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप यदि हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उसमें ओम प्रकाश शर्मा आपके सामने उपस्थित है। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अधिक विलंब न करते हुए आज का जो विषय है वो है मंगल के बारे में दृष्टि संबंध। नौ ग्रहों को सभी को सातवीं दृष्टि दी गई है। सातवीं दृष्टि यानी कि जस्ट सामने की जो दृष्टि है नौ ग्रहों को दी गई है, लेकिन कुछ विशेष दृष्टियाँ कुछ ग्रहों को दी गई है। उसमें मंगल आता है, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु, इनको स्पेशल दृष्टियाँ दी गई है। जिसमें से जो गुरु को दृष्टि दी गई है पांच सातवीं के अलावा पांचवीं और नौवीं दृष्टि, इस यही दृष्टियाँ राहु और केतु को भी दी गई है। तो गुरु, राहु और केतु की सेम दृष्टा मानी गई है और शनि की सातवीं दृष्टि के अलावा तीसरी दृष्टि और दसवीं दृष्टि दी गई है। अब मंगल की बात करते हैं तो मंगल को सातवीं दृष्टि तो दी गई है, लेकिन इसके साथ ही चतुर्थ और अष्टम यानी कि चौथी और आठवीं दृष्टि दी गई है। यदि हम कुंडली की बात करते हैं चतुर्थ स्थान और आठवें स्थान, तो ये किस तरह से काम करता है, तो आज हम मंगल के बारे में ही चर्चा करेंगे। मंगल की चतुर्थ दृष्टि यानी कि चतुर्थ का आप समझते हैं चतुराई। वैसे ग्रहों में जो राजा होता है वो सूर्य को राजा माना गया है और मंगल को एक सेनापति का दर्जा दिया गया है। तो सेनापति का फर्ज क्या बनता है, वो सेना की रक्षा करता है, प्रजा की रक्षा करता है, जनता की किस तरह से रक्षा करता है। तो इसी तरह से कुंडली में चतुर्थ दृष्टि से मंगल को जो शासन करने की पराक्रम, मंगल क्या है, एक पराक्रम देता है आपको, अत्यंत साहस देता है, खून में उबाल देता है। तो यह है मंगल, गुस्सा भी देता है। तो मंगल यदि आपकी जन्म पत्रिका में मित्र राशि पर बैठते हुए दूषित नहीं है और वो शुभ दृष्टि से यदि आपके चतुर्थ दृष्टि से देखता है तो ये आपके मनोबल तो बढ़ाएगा ही सही, आपको पराक्रम साहस देता है। अब ये जो मैं आपके मंगल की चौथी दृष्टि वाले के बारे में बता रहा हूँ, अब मैं आपके सामने उस भाव में चौथी दृष्टि यानी कि जिस भाव पे बैठेगा उस भाव से उसकी चौथी दृष्टि कैसे काम करेगी इसके बारे में बता रहा हूँ। मंगल भूमि कारक माना जाता है, संपत्ति कारक, चल अचल संपत्ति, निर्जीव और सजीव की रक्षा करने वाला, आपका जो चर और स्थायी संपत्ति होती है उसकी रक्षा करने वाला यानी कि भूमि, जमीन, जायदाद, साबी के जो दायित्व है ये मंगल को दिया गया है, ये डिपार्टमेंट मंगल के पास है। तो ऐसे में जिस भाव पर यह बैठेगा उस भाव से चार गिनने पर चतुर्थ दृष्टि कहलाती है। तो क्रम वाइज में आपको इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मंगल जिस भाव पे बैठेगा और चतुर्थ दृष्टि जो डालेगा उस भाव की वो रक्षा करता है, कुल मिलाकर उसका रक्षा करने का काम है, शत्रुओं से विजय दिलाने के काम है, आपके शत्रु उस भाव से संबंधित जो शत्रु होंगे उनको नष्ट करने का काम है, यह है मंगल का कार्य। अब मंगल का कार्य मैंने बता दिया, अब कारक भी बता दिया, अब इसके अलावा अब मैं प्रथम लग्न से लेकर बारहवें भाव तक चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले प्रथम भाव की मैं चर्चा करता हूँ, तो दसवें स्थान पर कुंडली के दसवें स्थान पर यदि मंगल विराजित होगा तो वहाँ से चौथी दृष्टि से लग्न भाव को देखेगा। तो ये लग्न भाव पर जब शुभ दृष्टि पड़ती है तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य का पूरा ये ध्यान रखेगा और इसके शत्रुओं पर, विरोधियों पर पूरी नज़र रखेगा, इसके शत्रु जो विरोधी हैं उसको बढ़ने नहीं देगा, इसके मान सम्मान में ठेस नहीं पहुंचने देगा। और इसमें मैंने बताया था कि साहस पराक्रम होता है, तो
मंगल की चतुर्दृष्टि लग्न पे पड़ने के कारण ये व्यक्ति को ऊर्जावान बनाता है, साहसी बनाता है और बड़े उत्साह से कार्य करने वाला बनाता है। तो ये है लग्न भाव पर जब चतुर्थ दृष्टि पड़ती है तो उसका क्या प्रभाव होता है। अब मैं दूसरे भाव की चर्चा करना जा रहा हूँ। तो दसवें से नेक्स्ट आता है ग्यारहवां स्थान। ग्यारहवें स्थान पर यदि मंगल स्थित होगा तो इसकी चतुर्थ दृष्टि सीधी सीधी दूसरे स्थान पर पड़ती है। तो दूसरे स्थान से संबंधित जो भी कार्य आते हैं वो मंगल इसकी रक्षा जरूर करता है। इसमें मुंह आता है, आपकी वाणी आती है, आपका गला और आपकी आंखें, और साथ ही ये धन का कारक माना गया है और बैंक बैलेंस का भी कारक माना गया है। तो ऐसे में ग्यारहवें भाव में यानी कि लाभ भाव में बैठकर ये आपके दूसरे स्थान पर कुंडली के दूसरे स्थान पर चतुर्थ दृष्टि से देखने के कारण आपकी वाणी में चतुराई बढ़ाएगा, आपके धन बैलेंस को बड़ी चतुराई से आपकी रक्षा करेगा और बैंक बैलेंस बढ़ाने में यह सहायक होता है, अधिकतर ऐसा देखा गया है। अब बारहवें स्थान पर जब मंगल बैठेगा तो इसकी चतुर्थ दृष्टि तीसरे स्थान पर पड़ती है। तो तीसरा स्थान नेटवर्किंग का कहलाता है, आपके पराक्रम का कहलाता है, साहस का कहलाता है और छोटी मोटी यात्राओं का तो कहलाता है। इसके साथ ही ये खेल कूद पर भी विशेष ध्यान देता है। तो खिलाड़ियों की जो है, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उन पर यह नियम लागू हो सकता है। यो तीसरा स्थान खेल कूद के मैदान में उतारने का, साहस बढ़ाने का काम करता है। यदि आप छोटी मोटी यात्रा पर जाते हैं तो ये आपका रक्षा बनकर कार्य करेगा और ये आपके पराक्रम को बढ़ाता है और इसके साथ ही आपके विरोधियों को नष्ट करता है और साथ ही साथ पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े से भी ये बढ़ाता है, कि पड़ोस का भी यही कारण होता है, यही कारक होता है। और हर क्षेत्र में आपको पराक्रम विजय श्री दिलाने के काम ये मंगल की चतुर्थ दृष्टि दिलाती है। अब आता है कुंडली का चतुर्थ भाव। तो लग्न स्थान पर जब मंगल विराजित होगा तो वहाँ से गिनने पर चौथा स्थान जो आता है वो आता है आपका भूमि से संबंधित, चल अचल से संबंधित आता है, वाहन से संबंधित आता है, आपके प्रजा का आता है और आपके जनता का भाव भी चतुर्थ भाव कहलाता है। तो जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं उनका चतुर्थ भाव पर मंगल का पूरा पूरा अधिकार होता है और चौथी दृष्टि से इस भाव को देखने पर प्रजा का इसको सपोर्ट मिलता है। यदि प्रजा इसके विरोध होती है, विरोधी होती है तो उससे से ये रक्षा करता है। आपकी भूमि जायदाद पर कोई शत्रु अवैध कब्जा नहीं कर सकता है। इसमें चतुर्थ भाव से जब यह मंगल देखेगा तो आप जमीन जायदाद का सौदा लेन देन करेंगे, वो बेझिझक करेंगे और इस पर मंगल का पूरा अधिकार होने के कारण आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपकी भूमि जायदाद पर कोई शत्रु अवैध कब्जा नहीं कर सकता है। इसमें चतुर्थ भाव से जब यह मंगल देखेगा तो आप जमीन जायदाद का सौदा लेन देन करेंगे, वो बेझिझक करेंगे और इस पर मंगल का पूरा अधिकार होने के कारण आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपकी भूमि जमीन जायदाद पर कोई अवैध कब्जा नहीं कर सकता है। मंगल में इतना साहस, इतना पराक्रम होता है, इसलिए मंगल की चतुर्दृष्टि से जिसके पास मंगल की चतुर्दृष्टि है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, दूसरे शब्दों में कहता हूँ। अब पांचवी दृष्टि के बारे में पंचम स्थान के बारे में चर्चा करते हैं। तो कुंडली का पाँचवा जो स्थान होता है, भाव होता है, हाउस होता है, वह ज्ञान बुद्धि विवेक का होता है और आपके माता के धन का होता है। तो ऐसे में दूसरे स्थान पर, कुंडली के दूसरे स्थान पर मंगल बैठकर चतुर्दृष्टि से पांचवें स्थान को देखेगा तो आपके माता के जो धन संपत्ति है उसकी पूरी पूरी रक्षा करेगा, आपकी ज्ञान की रक्षा करेगा, बुद्धि को तेज बढ़ाएगा, बुद्धि की रक्षा करेगा। यानी कि यदि आप कोई कंपटीशन फाइट करते हैं तो आपके विरोधी आपके सामने कोई टिक नहीं सकते, आपका विवेक है वो गलत दिशा में नहीं जा सकता है। ये गलत दिशा में जाने से
मंगल रोकता है, जिसके पांचवें स्थान पर मंगल की दृष्टि होती है। अब आता है छठा स्थान, कुंडली के छठा स्थान यानी कि तीसरे स्थान पर जब मंगल स्थित होगा तो तीसरे स्थान से चतुर्थ दृष्टि से ये मंगल जो देखता है, छठा स्थान कुंडली का आपके शत्रु रोग और रोग कर्ज से संबंधित देखा जाता है। तो तीसरा स्थान भूमि विवाद को ये कंट्रोल करता है, शत्रु ऐसे लोगों के सामने टिक नहीं पाते हैं, शत्रुओं से रक्षा करता है, विरोधियों से रक्षा करता है और छठे भाव से जितने भी संबंधित कार्य हैं उस पर यह कंट्रोल करते हुए उस पर धाक जमाता है। तो जब मंगल की चतुर्थ दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है तो उसके हौसले बुलंद रहते हैं, उसके सामने कोई भी शत्रु टिक नहीं सकता है, यानी कि वो कुल मिलाकर शत्रुहंता कहलाता है। तो ये है। अब कुंडली के सातवें भाव की हम चर्चा करते हैं। तो कुंडली के सातवें भाव यानी कि चतुर्थ स्थान पर जब मंगल स्थित होगा तो चतुर्थ स्थान से उसकी दृष्टि सातवें स्थान पर पड़ने के कारण जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी हैं या जो साझेदारी से मतलब साझे से व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप से व्यापार करते हैं, तो ऐसे व्यापारी ऐसे बिजनेसमैन को उसका साझेदार उसका बिजनेस पार्टनर कभी भी उसको धोखा नहीं दे सकता है। क्या मजाल उसके सामने वो धोखा दे दे। यदि कोई धोखा देने का प्रयास करता है तो ये मंगल उस पर कंट्रोल करते हुए उस साझेदार को उस पार्टनर को आउट कर सकता है। तो मंगल में इतनी ताकत होती, इतनी चतुराई से वो व्यापार करता है कि उसका व्यापार दिनों दिन प्रोग्रेस की ओर बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो वो पीछे की तरफ देखता ही नहीं है। तो यह है चतुर्थ दृष्टि से सातवें स्थान। अब आगे अष्टम भाव की हम चर्चा करते हैं। तो कुंडली के पांचवें स्थान पर मंगल स्थित होगा तो ऐसे में उसकी चतुर्थ दृष्टि आपकी आठवें स्थान पर पड़ती है। तो आठवां स्थान ये पति या पत्नी के धन के बारे में बताएगा। यदि आप कुंडली पत्नी की देख रहे हैं तो पति के धन के बारे में बताएगा, और पति जो है कि पत्रिका देखते हैं तो पत्नी के धन की संबंधित ये जानकारी देगा। तो एक तो धन का है और ये आपके गोपनीय दस्तावेजों के बारे में जानकारी देगा। तो ऐसे में चतुर्थ दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ेगी तो ऐसे जातक या जातिकाओं के जो संपत्ति है, धन संपत्ति की पूरा रक्षा करेगा, उसके गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति बेझक कहीं पे भी आपके दस्तावेज रख कर भूल भी जाए तो क्या मजाल कोई उसका हाथ लगा ले। यानी कि कुल मिलाकर मंगल की चतुर्थ दृष्टि आठवें स्थान पर पड़ने के कारण आपके गोपनीय दस्तावेज पूर्णतया सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा आपको पैतृक संपत्ति दिलाने का योग यह चतुर्भाव दृष्टि मंगल ही आपको दिलाएगा। तो मंगल के बहुत सारे गुण हैं और अवगुण जो है यह आपके पुत्रों से संबंधित कुछ परेशानी दे सकता है, या परेशानी के नाम में अभी इसके शुभ शुभ संकेत दे रहा हूँ। तो अब आता है कुंडली का नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस यानी कि जब मंगल आपके छठे स्थान पर बैठेगा तो छठे स्थान सर नौवें स्थान जिसको हम भाग्य भाव कहते हैं, धर्म भाव कहते हैं। तो धर्म भाव पर जब मंगल की दृष्टि पड़ती है तो आप किसके धर्म की वो रक्षा करेगा, आपके संस्कारों की वो रक्षा करेगा। धर्म आपका हिंदू धर्म हो, सिख हो, मुस्लिम हो या जैन धर्म हो, तो उस धर्म से आपको भटकाव नहीं होने देगा। आजकल जो चर्चा चल रही है कि एक हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम अलग अलग अपना धर्म बदल कर दूसरे धर्म पर जा रहे हैं, तो जो धर्म का बदलाव करता है उस बदलाव को आपके मानसिक विचारों को वो रोकता है। ये आपके धर्म परिवर्तन करने में कभी इतना सहायक होगा कि आपको आपके संसार से भटकने देगा, आपके धर्म से बिल्कुल नहीं भटकने देगा। इसके अलावा आपके साले की जो यानी कि पत्नी के भाई है उसकी धन संपत्ति की भी ये मंगल रक्षा करता है। अब आता है कुंडली का दसवां स्थान। कुंडली का दसवां स्थान यानी कि मंगल सातवें स्थान पर स्थित होगा तो सातवें से चतुर्थदशी आपके दसवें स्थान पर पड़ती है। तो दसवां स्थान
ये आपका कर्म क्षेत्र कहलाता है। तो आप जिस कर्म क्षेत्र में, या आप नौकरी में हो, या आप बिजनेस में हो, या फिर आप प्राइवेट जॉब करते हो, किसी में भी आप कार्य करते हैं, तो उसमें पग पर आपको यह मंगल मदद करेगा, आपको नीचे नहीं होने देगा, आपकी ऊंचाई बढ़ाएगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, यश कीर्ति बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहता है। ये जो अवार्ड वगैरह मिलते हैं, पुरस्कार मिलते हैं, यह मंगल के कारण ही। जब मंगल की चतुर्दशी कर्म भाव पर पड़ती है, तो ऐसे में मंगल आपके मान सम्मान को दिनोदिन बढ़ाएगा। आपके प्रमोशन में यदि कोई रुकावट आती है, तो इस रुकावट को दूर करने के लिए मंगल का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब मंगल की यदि चतुर्दशी 11वें स्थान पर पड़ती है, तो 11वां स्थान ये लाभ भाव कहलाता है, आपकी मनोकामना पूर्ति का कहलाता है। तो ऐसे में जब 8वें स्थान पर मंगल स्थित होगा, तो 8वें से चतुर्थ दृष्टि जब इसकी पड़ती है 11वें स्थान पर, तो ये आपकी जो भी मनोकामना है, उस मनोकामना में यदि कोई अवरोध पैदा होता है, तो उस अवरोध को दूर करते हुए आपकी मनोकामना पूरी करने में ये पूरा पूरा सहयोग करता है। आपके लाभ भाव का स्थान पर नजर रखता है, आपको कभी नुकसान नहीं होने देगा, आपके लाभ में नुकसान होने से ये मंगल रोकता है। ये मंगल आपके यदि कोई मित्र हैं, तो आपके मित्र आपके साथ धोखा नहीं दे सकते, मंगल उसको रोकता है। अब आता है लास्ट में 12वां स्थान, कुंडली का जो 12वां स्थान है, ये सैया सुख का कहलाता है, आपके भोग विलास का कहलाता है। और आप सभी जानते हैं कि 12वां स्थान मोक्ष कारक भी होता है, अस्पताल का भी कारक होता है, लेकिन मंगल की चतुर्दशि यानी कि जब नाइन्थ हाउस में मंगल स्थित होगा, तो मंगल 12वें स्थान को किस तरह से देखता है, ये आपके सैया सुख में सहयोग करेगा। आपके जो विदेशी ज्ञान है, उस विदेशी ज्ञान को बढ़ाने में सहयोग करेगा। आपकी भोग विलासा, ये भोग का भी है, तो आपकी भोग विलासिता को बढ़ाने में मंगल का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो आपके भोग विलास में कभी कमी नहीं लाने देता है, यह मंगल का चतुर्दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ती है। तो यदि आप कभी विदेश यात्रा का प्लान बनाएंगे, तो विदेश यात्रा में आपका पूरा पूरा सहयोग करेगा। यह है मंगल के चतुर्दृष्टि के परिणाम। जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जब तक मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री कृष्णा।